नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा जहां पूरे प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल करके कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं जनता को इन आदेशों का पालन कर अपने घरों में रहने का संदेश देते हुए बिलासपुर जिला पुलिस ने बस अड्डे से शहर तक फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और डीएसपी अजय ठाकुर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पद्मश्री व अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वर्तमान हालत गंभीर है और कोरोना वायरस के असर से पूरा विश्व अछूता नहीं है। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लागू करने के बावजूद भी युवाओं द्वारा घर से बाहर निकलकर धारा 144 की अवहेलना करने पर दुख जताते हुए सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़कर सरकार के आदेशों को पालन करने और अपने घरों में रहने कर कोरोना से लड़ने की अपील की। मैंने देखा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, जो जिनकी एज अच्छी है या मतलब कि वो लोग ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, बच्चे हैं गलियों में खेल रहे हैं ना, यंग्स कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। मैं दो तीन जगह आज खुद गया तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जो यंग ब्लड है यही लोग यार सड़कों पे घूम रहे हैं। इनको ये बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं कि ये समझ ही नहीं रहे कि किस तरीके की समस्या से हम लोग जूझ सकते हैं आगे, है ना। अब हम थोड़े दिन की समस्या है, वो आप घरों में बैठे हैं, टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको सरकार बोल नहीं रही है कि आप लोग उनकी हेल्प करो। सिर्फ यही तो बोल रहे हैं कि आप सेफली अपने घरों में बैठें, वो भी नहीं यार अगर बैठे ये लोग या बच्चे वो भी नहीं बैठ रहे तो अकेली पुलिस प्रशासन क्या करेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे? अगर आप लोग इसको कोऑपरेट नहीं करोगे, पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट नहीं करोगे तो पुलिस क्या करेगी? फिर इसमें हम लोगों की ही समझदारी है कि हम लोग किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके अपने समाज को स्वच्छ रख सकते हैं या एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, समझाएं लोगों को बाहर जाकर के कि यार घरों में सेफ बैठे, है ना। मेरे कोई पड़ोसी अगर बाहर निकला हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है उसको गली में जाकर के बोलने का कि यार प्लीज अंदर जाइए, है ना। ये चीजें हमें आपस में आपसी समझदारी इसका बचा। कई लोगों मैं देख रहा हूँ कि एक ही परिवार से तीन तीन चार चार लोग चले हुए मार्केट में सामान लेने के लिए, एक बंदे को भेजे हैं, है ना, तो एक व्यक्ति जाकर के सामान ले आए। तो मैंने जाता है जो हमारी यंग जनरेशन है वो यार मेरे हिसाब से इतना मैंने अंडरस्टैंड किया है कि वो लोग ज्यादा सड़कों पर है ना, बच्चे हमारे जो टीनएजर्स हैं जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन लोगों को वो लोग सीरियस नहीं ले रहे। उनको लग रहा है कि यार कॉलेज में छुट्टी हुई है, स्कूलों में छुट्टियां हुई हैं तो हम लोग वो लगा रहे हैं बेफालतू के चक्कर। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि इतना हल्का लेने की जरूरत नहीं है। इटली जैसा देश जो मतलब के मेडिकल स्वास्थ्य में जो सबसे नंबर दो पे है शायद मेरे हिसाब से, है ना, उन कंट्रीज की हालत आप देख लीजिए। इस चीज़ को सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप समझिए इस चीज़ को कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है देश के लिए। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप लोगों को जो जैसा आप लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री साहब जो बोलें, आपका पुलिस प्रशासन जो बोले, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस जो आपको बोले, उस तरीके से आप फॉलो कीजिए।